हमारे पास काफ़ी फार्मिंग लैंड उड़ीसा में जो कि रिमोट एरियाज में है, बट जब मैंने वहाँ पे कुछ फार्मिंग करने का सोचा तो वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज ऑलरेडी वो सारे एरिया वाइल्ड लाइफ से अफेक्ट हो चुके। तो फिर हम लोग ने ये सोचा कि हम क्यों ना वहाँ पे सोलर फेंसिंग, मैं बाहर काम करता था, मैंने देखा था काफ़ी कंट्रीज़ में सोलर फेंसिंग क्या होता है, तो हम लोग को पता चला कि हम लो कॉस्ट में कर पाएंगे। तो हम लोगों ने 13 जनवरी 2020 में कंपनी फॉर्मेशन किया, इमिडिएटली 3 महीने बाद पैंडमिक आ गया, तो उसमें भी हम लोगों ने रुके नहीं, हम रिमोटली सारा काम किए, हम लोगों ने काफ़ी एरिया में डेमोन्स्ट्रेट लगाया, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट लगाए अपने कॉस्ट से, फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स में भी अप्लाई किया जिससे हम लोग को 24 लाख का फंडिंग सपोर्ट मिला। वैसे स्टार्टअप उड़ीसा से 15 लाख मिले और हम लोगों ने कुछ पैसे लगाए, ऐसे सारे पैसे लगा के हम लोगों ने इस कंपनी को सेटअप किया। ये एक टोटली नॉन लेथल सिस्टम है, इसके अंदर सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोटेक्शन होते हैं जो कि हम एक गारंटी देते हैं कि किसी को हार्म नहीं करेगा। सोलर फेंसिंग करने से पहले हाथी हमारा इसे बर्बाद कर रहे थे, प्लस जंगली सोर भी ऐसे कर रहे थे, हिरण भी कोई फसल लगाए पूरा खा गया है के। अब रात को कौन कितना जगेगा, जंगल जानवर आएंगे, कोई जलाश हो जाएगा बंदा का तो हम तो फंस जाएंगे। बाद में फिर नारायण बाबू से कॉन्टैक्ट किए, कॉन्टैक्ट करके ये किए, करने के बाद हमें 100% सेफ है, हम भी सेफ है, जंगल जानवर जो होते हैं जानवर वो भी सेफ है, कोई किसी को लॉस नहीं है। सिल्को फाउंडेशन से हम लास्ट ईयर मिले, सिल्को के साथ हम लोग को लगता है कि जो मैनेजमेंट होता है कि इनिशियली माने कंपनी का मैनेजमेंट डेवलप करना और कंपनी को सेटअप करने के लिए जो एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, हम उस सिल्को से हमको मेंटरिंग मिल जाएगा। प्रेजेंट हमारे पास लगभग 2 करोड़ के आसपास का एनुअल टर्नओवर है इस साल का, लास्ट ईयर 1 करोड़ था, उससे पहले साल सिर्फ 20 लाख था। तो वी आर ग्रोइंग, हम लोग बिलीव करते हैं हाईली डाइवर्सिफिकेशन, जब जो तब वो, तो हो सकता है कि 100 करोड़ जब मैं अचीव करूँ या सोलर फेंसिंग भी ना हो कंपनी में, वी डाइवर्सीफाई विथ समथिंग न्यू।